बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन ये बच्चा है थोड़ा लुच्चा, थोड़ा टुच्चा, शरारतों का गुच्छा। टीचर अंकिता की नाक में दम कर दिया है उनके स्टूडेंट कपिल ने। अब वो उसे मुर्गा बनाती है या खुद क्लास छोड़ के भाग जाती है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम आवर लीडर चोरी, अंकिता एज टीचर एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर्स। छोटा बच्चा जान के ना कोई गाली देना रे, तेरी माँ की टुक टुक, तेरी माँ की टुक टुक, ओए। अंकिता मैडम, प्लस मैथ वाला गंजा सर। मैडम कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपको बताया मैं रोज टाइम पे स्कूल आ जाता हूँ, लेकिन मेरी टीचर कभी टाइम पे नहीं आती है। वैसे टाइम पे आ जाती है तो ये ना मैथ वाला गंजा सर उसके रूम में बैठ के सवाल निकालती रहती है। सोहेल अंकल आपको बताया मेरे पापा चाहते हैं मैं ना बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। साला मतलब ही है, उसको पत्थरी है, वो सोचता है बड़ा होकर मुफ्त में ऑपरेशन करूंगा। पर ना मेरे को नहीं बनना, मेरे को बड़ा होकर मेकअप मैन बनना है। मेरे को अच्छा लगता है लड़कियों को टच करना। मैं ना देखने में बच्चा लगता हूँ, अंदर से मैं पूरा मर्द हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? आप भी तो थोड़ी देर बाद यही करोगे मेरे साथ। बेटा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें दिल से मुर्गा बनाती हूँ? नहीं बनाती हो दिल से, दिल से बनाओ तो मैं टेस्टी ना बनूं। इतनी बार मुर्गा बना चुकी ना मेरे को, अब तो मैं ग्रेवी वाला भी बन जाता हूँ, चिल्ली वाला भी बन जाता हूँ। लेकिन मैडम आज मेरे को मुर्गा मत बनाना। क्यों? अच्छी आंटी आई है, कहीं भी मुर्गा देख ले खा लेती है। अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ अपनी फीस लेकर आए? नो। क्यों नहीं लेकर आए? मेरे पापा का ऑपरेशन था मैडम। ऑपरेशन? मेरे पापा प्रेग्नेंट थे। प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट सॉरी, खांसी थी उनको। अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ क्यों नहीं लाए फीस? अगर अगली बार नहीं लेकर आए ना तो तुम्हें इस क्लासरूम में नहीं आने दूंगी, समझे? ओके। अच्छा चलो बताओ होमवर्क किया? नो। क्यों नहीं किया? कैसे करता है, इतना मुश्किल होमवर्क दे दिया, मैं कैसे करता? अरे लेकिन कल तो तुम करके आए थे। कल तो करिए, कल तो विक्की भैया फ्री। क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? कल तुमने अपने नेबर से होमवर्क करा था, शर्म नहीं आती? शर्म क्या आएगी, वो कौन सा नंगा होके मेरा होमवर्क कर रहे थे। चुप रहो। चलो बताओ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? देखो नंबर जोड़े जाते, स्पेलिंग थोड़ी ना जोड़े जाते। cos थीटा के, cos थीटा के मतलब हुआ। बहुत अच्छा बहाना बना रहे हो, अगर आंसर नहीं आता तो ऐसे ही साफ साफ कह दो। तेरे को किस प्रोडक्शन वाले ने दे दी, उतार फेंक इसको। चलो बताओ एक और सवाल पूछते। क्या? एक आदमी के पास आठ आम है। आठ आम? हाँ आठ आम। फिर? उस आम में से अगर दो आम सड़ जाते तो कितने बचे? कोई भी। कैसे? देखो मैडम जिसके दो आम सड़ गए उसको लगेगा कि बाकी ना सड़ जाएं, जल्दी जल्दी खा लो। अपनी बकवास बंद करो, आजकल तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। तुम्हें इतनी सजा देती हूँ, इतनी सजा देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम ठीक ही नहीं होते। आज ऐसी सजा दूंगी ना, मैं क्या सजा दूं? क्या मैं बताऊं, मेरे को इस लड़की के साथ बाथरूम में बंद कर दो। ज्यादा मत बोलो समझे, एक आखिरी मौका और देती हूँ। क्या? चलो एक और सवाल पूछती हूँ, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सूर्य वालों ने, उनके बल्ब सबसे अच्छे होते हैं। सूर्य वालों के गलत जवाब, तीसरा मौका देती। देखो मैडम इतने गलत जवाब दो तो अमिताभ बच्चन निकाल देता है कौन बड़े करोड़पति से, अब मेरे को स्कूल से क्यों नहीं निकाल देती? ज्यादा मत बोलो समझे, जितना पूछती उस चीज का जवाब दो। चलो बताओ कि क्या बताओ, कुछ बताओ। मेरे को क्या सिखाया, उधर मुंह करके बोल, इधर कैमरा नहीं लगा हुआ, इधर देख। चलो बताओ, मैंने तुम्हें गिनती याद करने को कहा था, तुमने गिनती याद की बेटा? हाँ। बोल के बताओ। ऐसे ट्यून में याद है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, दस। इसके आगे सात आठ नौ दस दस दस, इसके दस, आगे बस। गुलाम बेगम बादशाह। शट अप। ये किसने सिखाया तुमको? मेरे पापा ने।
पापा ने ना, तो जाओ अपने पापा को लेकर आ जाओ। अर्चना जी आप देखिए ना, ये बच्चे आजकल के बच्चे कैसे हो गए, इतने बदतमीज। चुप कर तू। तू क्या बताएगी बच्चों के बारे में? दो दिन रुक जा, तेरे को सोनी चैनल वाले बताएंगे। बड़ी यही बच्चों के बारे में बताने वाली, इतना स्लो बोलती है, इतना स्लो बोलती है। तब तक तो बच्चा भी बड़ा होके अपना खुद का बच्चा पैदा कर ले। पिछले एक्ट में बुढ़िया बनी थी, मेरे को लगा शायद इसलिए एनर्जी कम है। तेरा तो बेड़ा ही करके, तेरे को तो शक्तिमान भी बना दो, उसको भी मरवाएगी तू। अबे चुप रे पापा, मेरे को मैडम ने मारा पापा। क्या अभी तेरी मैडम की माँ बहने करता हूँ जाके मैं। इन्हीं लोगों ने तेरे को बुझाने की बड़ी जल्दी, मेरे को डायलॉग बोलना था, डायलॉग बोलना था। किन्हीं लोगों ने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया? तुमने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया? आप हिम्मत है तो मेरे पे उठा, उतारूंगा कुर्ता मैं। हैं आपकी तारीफ, वो तो तारीफ तो मेरी करेंगे एक्ट के बाद, तू भी ऐसा कुछ किया कर, तेरी भी करें, मारूंगा मैं। आप कौन है, किसे काम है आपका? अरे मेरे को चिंटू की मैडम से मिलना है। चिंटू की मैडम? चिंटू या चिंटू, मेरा बेटा छोटा वाला चिंवन, उसका बड़ा वाला चिंटू। पिल्ले जैसे दिखने वाला प्यारा सा बच्चा ना। अच्छा वो बदतमीज सा बच्चा? क्या बदतमीज बच्चा रे, उसने कौन सा तेरा नंबर बाथरूम में लिख दिया है? Exactly, उसने यही किया है, अगर आपको पता नहीं। अच्छा उसने कौन सा सही नंबर लिखा ना, गलत लिखा ना? कि तुम्हें कैसे पता? अच्छा मैंने खुद 3 बार मिलाया, मिला नहीं। और सुन मेरी बात, मेरे बच्चे के हाथ क्यों उड़ाती तू? तेरे को पता है मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि तू उस पे हाथ उड़ाती है, लेकिन जब तू हाथ उड़ाती है ना यूं करके, यही वाला फ्लेवर आता है तेरे से। इतने अच्छे कपड़े पहनती, नहा के पहना कर तू। हेलो मैं रोज नहाती हूँ समझे, इसके साथ। और सुन मेरी बात, मेरे बच्चे के हाथ क्यों उड़ाती तू? तेरे को पता है मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि तू उस पे हाथ उठाती है, लेकिन जब तू हाथ उठाती है ना यूं करके, यही वाला फ्लेवर आता है तेरे से। इतने अच्छे कपड़े पहनती, नहा के पहना कर तू। हेलो मैं रोज नहाती हूँ समझे, इसके साथ। अरे बाबा मेरा मतलब है, अरे बाबा मेरा कहने का मतलब लक्ष के साथ के रख, सोना के साथ। मेरे बच्चे को क्यों हाथ क्यों उठाया बता? तुम्हारे बच्चे को एक सवाल का जवाब नहीं आता। एक का नहीं आता, बाकी के तो आते, फिर क्यों मारा? मेरा मतलब ये है, एक दिन मैंने उससे पूछा कि ताजमहल किसने बनाया, तो उसे पता ही नहीं था ये कैसा बच्चा है। बाबा बच्चा है, उसको क्या पता ताजमहल, अभी तो भी तो पैदा, कैसे पता होगा ताजमहल? मैं तेरे को बताती ना, ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल बनाया था अपना उसने शाह विपुल शाह ने। विपुल शाह? हाँ विपुल शाह ने बनाया था ना। ये विपुल शाह कौन है? और एक सेकंड, ताजमहल शाहजहां ने बनाया, शाह? अबे देख मेरे को जो पैसे देता मैं उसको हिट करूं शाहजहां से, मेरे को क्या लेना देना है अमरूद? तेरे को बीच की बात का नहीं पता है, शाहजहां ने खाली चेक काट के दिया था, बनाया मजदूरों ने था। क्या स्टाइल मारा मैंने, आहा। मैं समझ गई कि तुम्हारा बेटा एकदम तुम पर गया है। क्या मेरे पे गया? उसकी भी छाती में बाल देख लिए तूने? क्या दिख रहा है? मेरा मतलब ये है कि जैसा बाप वैसा बेटा। एक क्या वैसा बेटा, मेरी नॉलेज तू जानती नहीं, अभी तू मेरे को जानती नहीं है। अच्छा बड़ी नॉलेज है तुम्हें। हाँ बता, तब क्या किस बात की नॉलेज नहीं है? तो बताओ कि पांडव कौन थे? पांडव? अरे बाबा मेरे को, मैं अभी अलिफ लैला नहीं देखता, मेरे को क्या पता। अलिफ लैला में पांडव नहीं थे, महाभारत में थे। तो मेरा क्या कसूर जाके रामानंद सागर पे चिल्ला ना जाके? सबका एक तरीके का कॉस्ट्यूम बना देते, सबकी एक जैसे मुकुट, सबकी वो धारी वाली ड्रेस, वो धोती। अभी नहीं पता चलता बाबा, सबके घोड़े भी एक जैसे आते, टुकड़े टुकड़े, कम से कम उसमें वेरिएशन चाहिए। हाँ यही वाला तो क्या बजाय तो बुधा, तू कर ले अपना खीड़ा पूरा बजा के, जो तेरे को करना है। अभी सबके घोड़े आते टुकड़े टुकड़े, थोड़ा वेरिएशन रखना चाहिए बाबा। एक का घोड़ा टुकड़े टुकड़े आए, एक का ठुसुक ठुसुक, एक का फिसिक फिसिक, तो मजा आता ना बाबा, पता चलता है। एक सेकंड, क्या तुमने अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखा? क्या इंग्लिश में 8, हिस्ट्री में 7, मैथ्स में 8, टोटल में 28। टोटल में 28, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वो लास्ट में बोल रही है। तो बाबा तू इसको इंग्लिश मैथ क्यों पढ़ाती? टोटल पढ़ाया करना, अगर टोटल में दिमाग ज्यादा चलता है तो। बड़ा होके मेरा बच्चा, बड़ा होके मैं अपने बच्चे को टोटल बनाऊंगा, टोटल IAS। हां तुम्हें एक चीज पता है? क्या? मैं जब भी क्लास में आती हूं तुम्हारा बच्चा सो जाता है। एक बच्चा सो जाता है तो उसके लिए मारती, तू जब आती 200 लोग सो जाते, कभी नोट किया तूने? तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पता है तुम्हारा बच्चा कितना डर्टी है, कितना गंदा है, उसके नील्स की नील्स उसके क्या तेरे मुंह में डाल के काटता है, को क्या लगे? बच्चे को मैं स्कूल भेजता हूँ, ब्यूटी पार्लर थोड़ी ना, क्या जमाना आ गया। बच्चे को स्कूल भेजने से पहले मैनीक्योर पेडीक्योर कराए, क्या करवाए इसका?
तुमने अपने बच्चे के शूज देखे? हमेशा लेस खुले, ऐसे कैसे? अच्छा, बच्चे का एक लेस खुला तो समा रही, अभी बिपाशा आती है या जो भी आता है, मल्लिका आती है, अपने ब्लाउज के सारे लेसेस खोलती, पब्लिक तालियां पीटती है। मेरे बच्चे का एक लेसेस खुल गया तो मेरा बच्चा पीट दिया, ऐसे कैसे? What is the core difference between the social study and the science? Whatever you do, don't think so. हाँ, बच्चे को मारना ही पड़ेगा मुझे। काहे को मारना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारा बच्चा बहुत छुट्टी मारता है, वो कभी रेगुलर स्कूल में आता ही नहीं है, ऐसे कैसे बच्चा छुट्टी मार सकता है? अरे बाबा, रेगुलर मैंने इसको मना किया, रेगुलर नहीं जाने का, किसी भी जगह रोज रोज जाओ इज्जत कम होती है, एक दिन छोड़ के जाने का। ऐसे नहीं जाते। देखो, तुम इज्जत की बात तो करना ही मत। क्या है? तुम्हारा बच्चा इतना बदतमीज है, उसे पता ही नहीं कि टीचर की इज्जत किस तरह की जाती है। बहुत ही शरारती है तुम्हारा बच्चा। तो बाबू, बच्चे शरारती हो, बच्चा पैदा होते अन्ना हजारे निकले, कैसे होगा ये? बच्चे को शरारती होते नहीं होगा। एक सेकंड, तुम्हारा बच्चा है, मैं जब भी उसे कोई सवाल करती हूँ, बड़ी अजीब अजीब से जवाब देता है, पता नहीं कहाँ से लाता है। तो बाबा, अच्छी बात है ना, जवाब देता तो। आजकल के तो बच्चे ऐसे पैदा हो रहे, इतना एटीट्यूड है बच्चों में। कल मेरी बुआ का यहाँ बेटा पैदा हुआ, एक ही दिन का बच्चा है, मैंने पूछा हेलो बेटा, हाउ आर यू, बोले कुछ नहीं, इतना एटीट्यूड। देखो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, तो मेरे मुंह लग भी मत। तेरी क्लास में 40 बच्चे, सबके बाप के मुंह लगेगी, प्रिंसिपल बने ना बने मम्मी बन जाएगी। क्या? जाओ और अपनी बीवी को भेजो, जाओ यहाँ से। She is wonderful, she is no more. क्या? अरे वो मर गई ना वो। This is so sad. नहीं, suicide नहीं, hepatitis B हुआ था, पी लिया मैं दारू, पी ली थी उसने। तो फिर तुम्हारे चिंटू को किसने बड़ा किया? उसको तो उसकी माँ ने बड़ा किया ना बाबा। और लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। तो बीवी मरी ना, उसकी माँ तो जिंदा है बाबा। देख तू, अभी मैथमेटिक्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गया सवाल। अभी ये सवाल मैथमेटिक्स की तरह हो गया। मेरा मैथमेटिक्स शुरू से ऑलवेज द वीकेस्ट सब्जेक्ट, सो द फनी लाइक द आई फॉर व्हाट आई डोंट नो। या देखो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको यहाँ बुलाया। अरे बाबा, आपने कहा बोला, मैं तो न्यूज देख रहा था, वहां पे आ रहा था, मार्केट गिर रही है, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाके 3 किलो लौकी ले आऊं, कल को महंगी ना हो जाए। हेलो, क्या चिंटू? हाँ, तेरी मैडम के पास ही खड़ा हूँ। क्या तेरे को मार रही है? अरे बाबा, नहीं मार रही, मेरे साथ ही तो खड़ी है। कौन से स्कूल में? सुरभि मॉडल। मैं तो अंकिता मॉडल आ गया ना बाबा। इधर आया कर, ये अच्छी वाली है। एक सेकंड, चल तो फोन रख, मैं देखता हूँ। ए हेलो, आई वांट टू से यू समथिंग। हाँ, इट्स सिमिलर लाइक, सॉरी, एक्चुअली मेरा बेबी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, तो मैं गलती से इधर आ गया। सॉरी बोला ना मैंने। तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे पका डाला बिल्कुल। तुमने पकाया, तू पका रही थी लोगों को, मैंने उल्टा आके एंटरटेन कराया। कराया कि नहीं कराया? एंटरटेन कराया कि नहीं कराया बाबा? अब तेरे को अपनी ईमानदारी से जो ठीक लगे समझ के दे दे। देख, हम लोग मांगने की आदत तो है नहीं, छोटी बहन समझ के दे दे। अर्चना जी, इन्हें पास करेंगी या फेल? Only for you, कपिल। अरे थैंक यू। इस एक्ट में उतना दम नहीं था जितना कपिल तुम्हारे कैरेक्टराइजेशन में था। कॉमेडी कई किस्म की होती है। टू मेन काइंड्स ऑफ कॉमेडी इज, जो एक प्लॉट ड्रिवन होती है, सिचुएशन ड्रिवन, और एक होती है कैरेक्टर ड्रिवन। कपिल, आपकी महारत ही कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी में है। सिर्फ इस कैरेक्टर की वजह से आपने इस एक्ट में जो जान डाल दी, पहले बच्चे बनकर और फिर ये, क्या बोलूँ, मर्द बोलूँ, औरत नुमा मर्द बोलूँ, अर्चना टाइप मर्द, क्या बोलूँ? वंडरफुली परफॉर्म्ड। एंड अंकिता, यू आर लर्निंग द स्पिरिट ऑफ कॉमेडी सर्कस, कि यहाँ पर अपनी जितनी उड़ाओगे उतने लोग आप पर तालियाँ बजाएंगे। सो हैट्स ऑफ टू योर स्पॉटिंग स्पिरिट। अभी मैं इस तरह की परफॉर्मेंस को एक अंदाज देना चाहूँगी कि ये कपिलिज्म है। दैट कपिलिज्म इज वॉट इज फैंटास्टिक इन दिस वंडरफुल। आपको कपिलिज्म नजर आया या नहीं? कपिल मियां में जो इंटेलिजेंस है ना, मैं उसका बहुत कदर करता हूँ। बोथ ऑफ देम आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, एंड एज अ टीम आई थिंक दैट एक गिव एंड टेक होता है, और जितना आज तक मैंने कॉमेडी सर्कस में देखा है, आई थिंक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक इज इन दिस टीम। फैबुलस, थैंक यू सर। चलिए, तो इतने अच्छे कमेंट्स के बाद रिपोर्ट कार्ड में अच्छे-अच्छे नंबर भी हो जाएं। अर्चना, कोई शक नहीं कि यही हो सकता है आज। जय हो।